है भारत? टूटा हुआ है, इसीलिए उसको जोड़ने की जरूरत है। सुना आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं? अय्यर साहब कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है। जाहिर है अय्यर की जब जब जुबान खुली कांग्रेस मुश्किल में पड़ी। टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत के दौरान अय्यर ने जो विवादित बयान दिया उसे विरोधियों ने लपक लिया। एक बार फिर सुनिए अय्यर का वो बयान जिस पर बवाल मचा। बार बार राहुल जी ने कहा है कि इसका मकसद बस वही है जो उसके नाम में है, मतलब भारत जोड़ने का। टूट रहा है भारत, टूटा हुआ है, इसीलिए उसको जोड़ने की जरूरत है। मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयान को सही साबित करने के लिए भले ही जो भी तर्क दे, लेकिन उन्होंने अपने इस बयान से कांग्रेस की मुश्किलें फिर बढ़ा दी। आप, मैं देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे हैं क्या? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं, और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है, और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है, आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है, और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है, और यात्रा खत्म होने के बाद हम राजनीति की बात करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं जब मणिशंकर ने बैठे बिठाए कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई। इससे पहले अय्यर ने कई ऐसे बयान दिए जिसका खामियाजा कांग्रेस को अलग अलग चुनाव में हार के रूप में भुगतना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को लेकर बेहद विवादित बयान देते हुए उन्हें नीच तक कह डाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहने पर कांग्रेस ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी थी। वहीं 2021 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर अय्यर ने मुगलों की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने बाबर और हुमायूं की तारीफ में भी हसीदे पड़े थे। यहां तक कि जिन्ना को जी कहकर संबोधित किया था। अय्यर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को हाफिज साहब तक कह चुके हैं। अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान ने भी काफी हंगामा मचाया था। अय्यर ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान में जो प्यार मिलता है उससे कहीं ज्यादा दुश्मनी हिंदुस्तान में मिलती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।